पच्छाद उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों का प्रचार लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस समय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर दोनों मुख्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहना पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पच्छाद उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों का प्रचार लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस समय क्षेत्र में प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर दोनों मुख्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहना पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने पच्छाद से प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए जनता से समर्थन की अपील करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत हासिल करने में जनता से समर्थन की मांग की। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पच्छाद चुनाव में सबको मिलकर चलाने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है और उपचुनाव में भी इसी प्रकार लोगों का सहयोग मिलने वाला है। सरकार प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से बनी है, सरकार चल रही है। विषय सिर्फ इतना है कि सरकार को मजबूत करने के लिए हमने साथ चल रहा है, और मजबूत सरकार के लिए और मजबूती देनी है, इसके लिए हम सब आप सबके आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। इसी जगह कुछ दिन पहले हो गया है, जिस दिन हम नॉमिनेशन में आए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, एक तरह का साफ और स्पष्ट संकेत और संदेश हमको प्राप्त हुआ है कि पच्छाद भाजपा का साथ और भाजपा का ही रहेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।